हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एसके टेक्निकल्स वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक कुमार और आज हम आपको बताने वाले हैं यामाहा FZS के बारे में कुछ खास फीचर्स। तो आइए दोस्तों, बाइक को देखते हैं। बाइक को देख लिया है, आइए। तो ये जो खास फीचर्स है, ये है क्रैश सेफ्टी सेंसर। तो दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये हमारा डिजिटल मीटर है, इसको हम बंद करते हैं। ये न्यूट्रल है, ये हमारा इकोनोमीटर है। जब बाइक मतलब समान गति में चल रही होती है तो ये हमारा लाइट करता है। उसके बाद ये पासिंग है, जैसा कि देख रहे हैं आप जल रहा है, ये टर्निंग लाइट है और ये हमारा सेफ्टी सेंसर का डिटेक्टर है, इंडिकेटर। तो दोस्तों, ये वर्क कैसे करता है देखते हैं। तो दोस्तों, हम बाइक को पहले स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हमारी बाइक गिरती है तो स्टार्ट रह जाती है, जिसके कारण स्लिप कर जाती है और कुछ हो जाता है। तो इसमें एक ऐसा सेंसर दिया गया है जो कि बाइक गिरने पर हम अपने आप ही बंद हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये बाइक बंद हो चुकी है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, देख रहे हैं ये लाइट जल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट नहीं होगी, ये देख रहे हैं आप बिलिंग कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा, ये बिलिंग कर रही है, ये अभी स्टार्ट नहीं होगी ये गाड़ी। अब हम इसे दोबारा ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे, अब ये बाइक आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो यही है हमारा सेफ्टी सेंसर का काम।